और आज हम बनाएंगे प्रोफाइल सिस्टम, ठीक है, ऑनलाइन प्रोफाइल सिस्टम। ऑनलाइन प्रोफाइल सिस्टम में ये कोड जो है ना, ये मैंने लिखा हुआ है, मैं कंट्रोल जी करता हूँ, एक मिनट में इसमें नई फाइल बनाता हूँ। न्यू फाइल, फाइल सेव एज index.html। पहली फाइल क्या होगी, index.html, और इसमें मैंने ये बनाया हुआ है कि कंटेनर होगा, कंटेनर में एक रो होगी, रो में लेफ्ट कॉलम लोगो होगा, राइट कॉलम हेडिंग होगी, और यहाँ पे ऑनलाइन प्रोफाइल सिस्टम लिखा होगा, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में कैसे हम वो करेंगे, तो हम एक और फाइल बनाते हैं जिसका नाम होगा css, ठीक है, style.css। न्यू फाइल, फाइल सेव एज style.css। style.css में मैं इधर करता हूँ और इधर .container में हम लिखते हैं width 96 vw और height जो है 100 bh, और ठीक है ये दे देते हैं, और इसको मैं दे देता हूँ दूसरा है .row में display flex और width जो है 96 vw है, और हाइट जो है हाइट में देता है, यानी हाइट ऑटो है, हाइट जो है वो ऑटो है, ठीक है। देन जो है .logo की क्लास है, .logo की क्लास में width जो है वो 10 vw है, और logo के अंदर img है, और इमेज की width जो है वो होगी 5 bh vw, और हाइट जो है वो 5 bh, ठीक है। अब लोगो जो है एक इमेजेस का फोल्डर होगा, एक इमेजेस का फोल्डर होगा इसमें प्रोफाइल सिस्टम में। मैं इमेजेस का फोल्डर बना लेता हूँ, राइट क्लिक किया, ये जो है ये यहाँ पे, और इमेजेस का फोल्डर बनाते हैं, और इमेजेस के फोल्डर में मैं इमेज ले आता हूँ पिक्चर से, सेव पिक्चर से मैं लोगो जो है ये मैं कंट्रोल सी करता हूँ, और इसमें मैं बैक ये जो है ना इमेजेस में जाके मैं कंट्रोल भी करता हूँ, और लोगो .png आ गया, ठीक है। तो अभी जो हमारा सिस्टम है वो यहाँ तक पहुँचा। मैं index.html में लिखता हूँ लिंक, और ये, और इसमें style.css style.css, ठीक है, ये जो है ये इस तरह आएगा। अच्छा, नाउ इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ, तो इस तरह ऑनलाइन प्रोफाइल सिस्टम और ये आ जाएगा। logo.png इमेजेस में है, ठीक है, इमेजेस में है, और कंट्रोल आर, ये जो है ना ये साथ ऑनलाइन प्रोफाइल सिस्टम। अब जो है इसका बैकग्राउंड में देता हूँ, जो रो है, रो नहीं है, ये लोगो का मैं बैकग्राउंड देता हूँ, इसका लोगो का नहीं, हेडिंग का, डॉट हेडिंग जो है, डॉट हेडिंग, हेडिंग में मैं विड्थ दे देता हूँ, उसकी 10 है तो ये 686 vw आ जाएगा, और हाइट ऑटो है, हाइट ऑटो, और विड्थ जो बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और कलर जो है वो है वाइट, ठीक है, और फॉन्ट साइज ये जो है ना इसी तरह होगा, ठीक है। मैं कंट्रोल आर करता हूँ तो ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है, और ये जो है लोगो आ गया है, लोगो का भी बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ठीक है, और ये बैकग्राउंड कलर, ये इमेज का बैकग्राउंड कलर आ गया है, ये इसका जो लोगो का बैकग्राउंड कलर होगा, इधर कंट्रोल भी, ये जो है ना कंट्रोल आर, ये इस तरह ब्लैक आ जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन प्रोफाइल सिस्टम बेसिकली ये जो है ना हेडिंग में जो h1 है, हेडिंग में जो h1 है वो टेक्स्ट अलाइन, ये जो है ना h1 में मार्जिन टॉप मैं इधर देता हूँ h1, ठीक है, h1 देता हूँ, और इधर जाके मैं करता हूँ हेडिंग में टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये इस तरह आ जाएगा ऑनलाइन
प्रोफाइल सिस्टम. नाउ प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ना बहुत कम है, तो मैं इसको टेंटन करता हूँ, तो ये कंट्रोल आर, ये इस तरह आ जाएगा ऑनलाइन प्रोफाइल सिस्टम. नाउ सेकंड में होगा हमारे लिंक्स होंगे, ठीक है. सेकंड रो में क्या होगा, लिंक्स होंगे. तो डेव क्लास इज इक्वल टू रो, तो रो में हमारे हो जाएंगे डेव क्लास इज इक्वल टू लिंक्स. लिंक्स में लिंक्स को मैं डेव क्लास इज इक्वल टू बल्कि यूएल एल आई में होगा एक होम, एक होगा अबाउट, होम होगा रजिस्टर होगा, और तीसरा होगा लॉगिन, एल आई और लॉगिन, लॉगिन होगा. अब लिंक्स में लिंक्स को डिफाइन करते हैं. लिंक्स जो है डॉट लिंक्स डॉट लिंक्स डॉट लिंक्स जो है वो विड्थ 196 VW डॉट लिंक्स, और डॉट लिंक्स में जो यूएल है उसका है लिस्ट स्टाइल, नन, और लिस्ट स्टाइल नन, बल्कि यूएल करते ही नहीं है, हम सिंपल लिंक देते हैं. ये इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना तो कुछ करने की हमें जो है ना सिंपल चाहिए कि एक लिंक का बना लेते हैं. डेव क्लास इज इक्वल टू लिंक, और लिंक में बेसिकली एक हम देते हैं होम, ठीक है, और होम, और इसके साथ होगा कंट्रोल सी कंट्रोल वी होम रजिस्टर लॉगिन, होम रजिस्टर और लॉगिन. तो लिंक जो है यहाँ पे आ जाएगा, और लिंक जो है ना यहाँ पे लिंक्स में जो लिंक है वो उसका मैं करता हूँ विड्थ जो है वो है 5 VW, और हाइट ऑटो ऑटो मार्जिन टॉप 3 BH लिंक का, ठीक है, और मार्जिन लेफ्ट 2 VW, ठीक है, और इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा ग्रे, और कलर जो है वो होगा कलर जो है लिंक का बस बैकग्राउंड कलर ग्रे, आ जाएगा. तो ये जो है ना ये इस तरह आ जाएगा, अभी ये इस तरह है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ग्रे, लिंक का बैकग्राउंड कलर ग्रे है, डॉट लिंक्स का लिंक का बैकग्राउंड कलर ग्रे है. बल्कि मैं इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ कि इसको मैं कंट्रोल एक्स और कंट्रोल बी, बैकग्राउंड कलर ग्रे, इस तरह ग्रे आ जाएगा. और ये जो है जो इधर है डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएंगे, ठीक है, और ये इस तरह आ जाएगा. और अब जो है इसको मार्जिन लेफ्ट, इसने लिया नहीं है 2 VW, मार्जिन लेफ्ट लिंक्स लिंक डॉट लिंक है ना, ये डॉट लिंक है, ठीक है, डॉट लिंक में ये इस तरह आ जाएगा. और बेसिकली इसका जो लिंक्स का लिंक्स में मार्जिन लेफ्ट विड्थ जो है वो कर लेते हैं 30 VW, और मार्जिन लेफ्ट विड्थ ऑटो, हो जाएगी, और मार्जिन लेफ्ट जो है वो 40 VW हो. लेट्स सी के क्या आता है, ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा. देन जो है इसकी ये आ जाएगा. नाउ होम रजिस्टर लॉगिन
और अच्छा अब हम इसको लिंक दे देते हैं, होम को दे देंगे ahref इज इक्वल टू इंडेक्स डॉट html और होम और रजिस्टर में ahref इज इक्वल टू रजिस्टर डॉट html और रजिस्टर और लॉगिन को हम कहेंगे ahref इज इक्वल टू लॉगिन डॉट html और लॉगिन। बेसिकली ये तीन फाइलें हैं, ठीक है। तो अभी हम अगर जाके देखें तो ये तीनों लिंक बन गए हैं, ठीक है, ये तीनों लिंक हैं। अब होम में जाएंगे तो होम में है, रजिस्टर में जाएंगे तो रजिस्टर की फाइल ही नहीं है, अभी बनानी है, ठीक है। तो मैं इधर जो है एक और रो बनेगी, ठीक है, एक और रो बनेगी जिसमें कि हम अच्छा ये हमारा एक टेम्पलेट बन गया है, एक रो बनेगी, एक रो और बनेगी, ठीक है। डिव क्लास इज इक्वल टू क्लास इज इक्वल टू मेन और क्लास इज इक्वल टू मेन में डिव क्लास इज इक्वल टू रो और रो में मेन होगी, ये जो मेन है ये रो में होगा, ठीक है। और ये मेन जो है ये मैं आगे कर देता हूँ, मेन में मैं विड्थ और हाइट दे देता हूँ, डॉट मेन में विड्थ दे देता हूँ 96 VW और हाइट जो है वो होगी ऑटो, मार्जिन टॉप जो है वो 2GH होगा, ठीक है। तो ये जो है ना ये कंट्रोलर और बॉर्डर जो है बॉर्डर 16 ब्लू ब्लैक फाइव पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक मेन में मार्जिन टॉप, ये जो है ना बॉर्डर 5 pixels और हाइट जो है हाइट ऑटो नहीं रखते, इसको मैं 90 VH रखता हूँ, मैं रखता हूँ 80 VH 50 VH, ये इस तरह आ जाएगा, ये बेसिकली हमारा बनेगा। और आखिरी रो जो होगी हमारी होगी ये वाली, ठीक है, हमारी रो जो ये वाली रो होगी ये भी इसमें हो जाएगा, ये कंट्रोल सी और कंट्रोल डी और इसमें क्लास इज इक्वल टू कॉपीराइट और कॉपीराइट में हम कॉपीराइट की यही जो मैन की जगह कॉपीराइट आ जाएगा, कंट्रोल सी कंट्रोल डी कॉपीराइट में 96 VW विड्थ और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, हाइट जो है ये ऑटो होगी और मार्जिन टॉप 2 VH और जो 5 pixels बॉर्डर नहीं होगी, ठीक है, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाएगा। तो ये जो है ना इंडेक्स डॉट html में कॉपीराइट एंड कॉपी सेमी कॉलन 2021 ये होगा प्रोफाइल सिस्टम, ये होगा ABC यानी एप्स मेड इजी 2021 एप्स मेड इजी 2021 ऑल राइट्स रिजर्व्ड इस तरह आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब क्या करना है कि यही चीज़ जो है यहाँ पे रजिस्टर बनाना है, ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर बनाना है। अब इसमें मेन में बनाना है तो मेन में एक फॉर्म होगा, फॉर्म और फॉर्म जो है बेसिकली एंटर एक एक
फॉर्म होगा, फॉर्म को हम नहीं करते, हम करते हैं डिव क्लास इज इक्वल टू, क्लास इज इक्वल टू रजिस्टर, रजिस्टर रजिस्टर और एंटर, यहाँ पे होगा H1 रजिस्टर रजिस्टर, और उसके बाद होगा एंटर नेम, एंटर नेम और इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, आईडी इज इक्वल टू नेम, वैल्यू इज इक्वल टू एम, ये हो जाएगा बी आर और ये जो है ना एंटर नेम के बजाय यहाँ पे कंट्रोल सी, यहाँ पे मैं कंट्रोल बी करता हूँ, एंटर पासवर्ड, एंटर नेम, एंटर ईमेल, एंटर ईमेल, ईमेल टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू ईमेल, ईमेल और वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी, और फिर हम करेंगे एंटर पासवर्ड, एंटर पासवर्ड और टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड और नेम इज इक्वल टू पासवर्ड, पासवर्ड आईडी इज इक्वल टू पासवर्ड, और एक होगा बटन इनपुट बटन आईडी इज इक्वल टू btn और इसकी वैल्यू हो जाएगी रजिस्टर, रजिस्टर और ये हो जाएगा ठीक है, और इसको मैं ये करता हूँ, ये बन गया। अब इसको मैं मार्जिन लेफ्ट रजिस्टर को दूंगा, मेन में जो मार्जिन है, मेन में जो डॉट क्या है, रजिस्टर है, रजिस्टर को मैं मार्जिन लेफ्ट दूंगा 30 dB, तो ये सारा जो है ना इधर आ जाएगा ठीक है। एंटर पासवर्ड, ये रजिस्टर, बेसिकली यहाँ तक हम पहुँचे हैं कि रजिस्टर हम इस तरह करेंगे ठीक है राइट। तो बाकी हम कल करेंगे कि इसको रजिस्टर को जो है ना आगे लॉगिन कैसे करना है, कल बाकी करेंगे ठीक है। इसकी जावास्क्रिप्ट कैसे, पहले फॉर्म बनाएंगे उसके बाद जो है ना इसकी जावास्क्रिप्ट बनाएंगे ठीक है ओके। ये मुझे याद करवाना कि जो है ना मैंने